congressmen involved? Some congressmen probably were involved. ਚੁਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਦਿਆ ਨਮਕ। 587 FIR ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ 241 FIR ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਐਜ਼ ਅਨਕੇਸਡ। दिल्ली पुलिस जो है मूक दर्शन बनी रही, उसने रोकने का भी प्रयास नहीं किया, एक गोली नहीं चलाई किसी को। The death toll of block 32 Trilokpuri alone, it's in fact more than the death toll of Jallianwala Bagh massacre. OP Yadav was the station house officer of Srinivaspuri police station in 1984. On the basis of the material on record, Nanavati Commission addressed allegations of negligence against Yadav and issued a notice under Section 8D. Yadav submitted that holding of an inquiry by the Nanavati Commission against him would be an utter violation of his fundamental right, as he has been exonerated in the departmental inquiry held against him. OP Yadav was subsequently exonerated by the commission. In conversation with the Cobra Post reporter, Yadav gets into a plaintive mode about how the police force was poorly equipped to handle the riots. He said he asked for extra force but was not granted any. He asked for tear gas squad but was told that it was not available. He almost gives us an endless itemized list of how clueless and helpless the police force was at the time of 84 riots. अब मैं आपको बताता हूँ कि इतनी देर से जो राइट चल रहे, नंबर वन के दिल्ली पुलिस जो है ना वेल इक्विप्ड नहीं थी। दिल्ली में हो रहा था, हर पुलिस स्टेशन में हो रहा था। तो मतलब मैं अपनी बताता हूँ कि जब भी जाया मैंने देखा कि टीयर गैस स्क्वाड भेज दीजिए, दुनिया भर के वायरलेस मैसेज हमने देखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा टीयर गैस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ किसी और पुलिस स्टेशन में। तो ये जो चीजें थी कि जो है ना शॉर्टेज ऑफ व्हीकल, कम्युनिकेशन का जो है ना इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो है ना शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की बहुत भारी कमी थी उस टाइम पे, इतनी नहीं थी दिल्ली पुलिस में। जो है आउटसाइड फोर्स कोई नहीं, लेकिन आर्मी जो है बहुत बाद में आई, जो है ना जो डिप्लॉयमेंट उसका जो है ना। तो और दूसरा जैसे अब आग लगी नहीं थी ना, तो सबसे पहले क्या है फायर ब्रिगेड को होता है ना, सबसे पहले फायर ब्रिगेड जो है ना वो मूव नहीं कर रही थी, कहीं भी मूव नहीं कर रही थी। क्यों? इसलिए कि वो जो है उनके दिमाग में कि जो है ना हमने मेरे पुलिस स्टेशन में मैंने 10 मैसेज दिए होंगे फायर ब्रिगेड की, वहाँ पे फायर ब्रिगेड भिजवाइए, वहाँ पे फायर ब्रिगेड भिजवाइए। उनका एक फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं कि हमें जो है ना हमें मॉब जो है ना वो पकड़ के हमें पीटेगी मारेगी, जिसलिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब अगर हर एक उसको सिक्योरिटी दिया तो पहले ही कमी है मैन पावर की, दूरी को कहाँ से जो है ना, तो फायर ब्रिगेड जो है ना कहीं मूव नहीं करते। जैसे कोई वो नहीं है क्लियर कट जो है ना कि जो है ना उन्होंने कोई इस तरह की जो है ना कि भाई जैसे वो लेते हैं लीडरशिप की बिहेवियर कह लीजिए, कोई बहुत क्लियर कट की जो है ना नहीं जो है ना हम जयपुर जो है ना वो जैसे सीनियर ऑफिसर की मीटिंग बुला के डी सी टी दिया उनको बुला के और कहते कि जो है ना फिर डी सी टी आके अपने डिस्ट्रिक्ट में कहते कि नहीं आप बिल्कुल चाहे जो है ना आप लाठी चलाइए, जो गोली चलाने की जरूरत पड़ती है गोली चलाइए, लेकिन रॉइड्स नहीं होने चाहिए, लीडरशिप की कमी थी। अब जैसे देखिए कि जैसे लंदन में रॉयट्स हुए, हाँ अभी जो हुए थे, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर अपनी वेकेशन पे था छुट्टियों में, उसको जब देखा कि रॉयट्स बढ़ते जा रहे थे, इमीडिएटली अपनी कट शॉर्ट करके वेकेशन कट शॉर्ट के वापस आ गया और उसने जो है ना पूरे टीवी पे और उसको सब पे कहा, पुलिस को पूरा कहकर कि जो है ना कि अगर आपको गोली चलानी पड़ती है क्लियर कट ऑर्डर दें कि जो है ना कि जो कुछ करो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स यूज करो, बट आई वांट की देयर शुड नॉट बी एनी राइट्स को कंट्रोल की कंट्रोल हो। तो या तो चलो प्राइम मिनिस्टर और वो ठीक है, होम मिनिस्टर या इनकी तो बात छोड़ी है, तो पुलिस कमिश्नर का ये कहनी थी कि पुलिस कमिश्नर ने इसमें कोई जो है ना वो नहीं दिखाया कि जो है ना क्लियर कट, जब ऊपर से अगर क्लियर कट की ठीक है जो है ना ऑर्डर आ रहे हैं तो उनको किसी को थोड़ी पता था, ना बाहर से कोई फोर्स जो है ना एडवोकेट फोर्स नहीं थी, बाहर से जो आउटसाइड फोर्स मंगाते हैं जब कोई जो है ना सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, वो कहीं से आई नहीं पा रही थी। आर्मी जो है ना वो बहुत लेट आई, 3 दिन के बाद जो है ना उन्होंने कॉल किया। तो सर ये अच्छा कॉल बाद में किया, देर से कॉल किया था आर्मी को? आर्मी तो जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बुला, मतलब वही है कि जो हाई अथॉरिटी पर जो लोग बैठे होंगे उन्होंने भी एक्शन लेने में देरी करी थोड़ी,
डेफिनेटली उनको या तो ये था कि जो है ना वैसे कंट्रोल हो जाए ये आदमी को क्या बुलाना है या Yadav squarely blames the police commissioner and lieutenant governor for the 84 communal conflagration. He says that the police commissioner should have exemplified better leadership and given clear orders to contain the riots. He adds that the army should have been called much earlier and that directive rests with the lieutenant governor. In his words, army to jo hai na lieutenant governor hi bula sakte hain. Telephone karke baat kar raha hai.